सारे ही विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। आज आप पढ़ांगे व्यंजना के बारे बई खंडी तुनी च। आप स्वर कर चुके हाँ, हुण आप करांगे व्यंजन। आ जिहड़ा टॉपिक है वह लाहेवंद है, पंजाब मास्टर काडर रीट लई क्वालीफाई राउंड, दूजे राउंड लई सैकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सीनियर टीचर, लैक्चरर, नैट तई। परंतु जे आप गल करिए जिहड़ा इहदा पद्धर रहेगा वह आप एक बार सीनियर सैकेंडरी पद्धर का रख्या है और धीरे धीरे आप सौखे तो औखे की तरफ चलांगे ताकि किसी तरीके की कोई भी समझण च आपां नूं दिक्कत ना आवे और आसानी नाल ही समझ तुसी जाओ। और अपना तरीका है, पहला समझाया जाता है फिर ट्रिक राही कहानी राही उसनों पूरी तरीके नाल जिहड़ा है अपने दिमाग दे विचों ना निकले। वो सारी ही जिहड़ी स्किल ने वो यूज करांगे। और एक तुहाडे मन च ख्याल आंदा होवेगा कि जिहड़ी इहनां दी तरतीब है ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी पहला स्वर है भाई फिर बाद च की है व्यंजन शुरू हो जाते हैं, तो तुहाडे मन च अक्सर ख्याल आंदा होवेगा कि कै वाली लाइन है जो वो पहला क्यों है, कै वर्ग पहला क्यों है, फिर उस तो बाद वाला वर्ग चै वर्ग, फिर उस तो बाद वाला वर्ग, भाई ये वर्ग इदा क्यों ने, और इन्हां दी तरतीब है जो वर्णमाला तरतीब है जिंदी सैटिंग श्री गुरु अंगद देव जी ने कीती है, बड़े ही विद्वान सन ये तुहानू सब पता ही है। तो इहदी तरतीब है एक भी अक्षर है जो आप इधर उधर नहीं कर सकते, बई कै कै वाली थाई आऊगा, खै खखा खखे वाली थाई आऊगा, गग्गा गग्गे वाली थाई आऊगा, उपर नीचे नहीं कर सकते आप। और इन्हां दी जिहड़ी तरतीब है आ कै पहला क्यों है, खै बाद च क्यों है, गग्गा उस तो बाद च क्यों है, इस बारे सारी आप अज जानकारी लवांगे बई। हाँ तो हुण आप शुरू करते हाँ व्यंजन। व्यंजन मूह दे विचों जदों सह है अरोक गति नाल नहीं जाता बई, सह है रुक के कसर के रगड़ के जदों बाहर निकलता है उदों व्यंजना का उच्चारण होता है। आप स्वरां दे विच पढ़िया सीगा, स्वरां दे विच इदां नहीं होता, स्वरां दे विच क्यों होता है कि सह अरोक गति नाल एकदम बाहर जाता है, किसी प्रकार की कोई रुकावट कसर पसर नहीं होती। परंतु व्यंजना के अंदर जदों व्यंजना का उच्चारण किया जाता है तो सह है जिहड़ा अरोक गति नाल बाहर नहीं निकलता, थोड़ा रुक रुक के बाहर निकलता है, रुक के कसर के रगड़ के जो बाहर निकलता है तो व्यंजना का उच्चारण होता है। होर व्यंजना की जिहड़ी वंड है वह दो तरीके नाल की गई है बई, उच्चारण स्थान ते उच्चारण रीत के आधार से। उच्चारण स्थान ते उच्चारण रीत इन्हां दे आधार से ही जिहड़ी इन्हां दी तरतीब है वह सैट होंदी है बई। हुण आपां सब तो पहला गल करते हाँ उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान उच्चारण थान कह लिए, उच्चारण थान हर एक वर्ण है जो व्यंजन है वो अपना जिहड़ा मूह पोल है उस विचों खास थान तो ही उचारिया जाता है। तो इसी कारण इहदी जिहड़ी पहली वंड है वो उच्चारण थान के आधार से की गई है। तो इस दे विच जिहड़ा पहला वर्ग है बई कै कै वर्ग कै टोली जिस बारे आप गल करिए, कै खै गै ते इनकी जिहड़ी आवाज आ रही है तुसी वेख रहे होंगे इनकी जिहड़ी आवाज आ रही है वो कंठ तो आ रही है बई, किस तो आ रही है, कंठ तो आ रही है, कक्का खखा गग्गा घग्गा गंगा आ बई जिहड़े हन ये ने कंठी, कक्का खखा गग्गा कग्गा ते गंगा आ है कै टोली बई पहली टोली। इस दे विच एक बार होर आपां उच्चारण करके देखिए, कक्का खखा गग्गा कग्गा गंगा। ते जेड़ा हर टोली दा जेड़ा चौथा वर्ण है
उनकी वरतों है जी घट रही है दिनों दिन बई लेंदे पंजाब वाले तो काफ़ी इनकी वरतों करते हैं परंतु अपने इस पंजाब के अंदर है जो इनकी वरतों दिनों दिन घट रही है। इसी कारण आप देखते हैं भावें प्रेम प्रकाश जी की किताब है और भावें बूटा सिंह बराड़ की किताब है उन्होंने आ जड़ा वर्ग है उनका जो चौथा वर्ण है वह नहीं दिता गया। वो इसी कारण यह गल है कि इनकी वरतों है जो दिनों दिन बहुत ज्यादा घट रही है। इस कारण तो उन्होंने फॉलो करते हुए आप भी इदा कर रहे हैं बई ये हो गए कंठी बई कंठी तो बाद जे गल की जाए तो बई तालवी अगली जड़ी वर्ग है चै वर्ग बई चै टोली इसनों आप बोलीए चै छै जै चै जंजन। दोबारा फिर तुसी वेख रहे हो कि जड़ी जीव दी पोजीशन है जीव दी जड़ी पोजीशन है वो देखो बई एवें है जीव तालुए नाल टच कर रही है बई चै एक बार तुसी की करो जिहड़ा चै हैगा जिहड़े पहले तीन हैगे है वो की है स्टॉप व्यंजन है तुसी सिर्फ की करना है कि इन्हां नूं स्टॉप करके वेखना है बई रोक के वेखना है क्योंकि स्टॉप व्यंजन च की हुंदा है डकवे व्यंजन जिहनूं कह लिया जांदा है रुक के सह है जो रुक के एकदम है जो बाहर निकलता है इस कारण इन स्टॉप व्यंजन कहते हैं क्योंकि सह रुकता है फिर बाहर निकलता है। इस कारण हुण आपां की करिए सिर्फ पोजिशन लैनी है बई चै दी जदों आपां पोजिशन लईए तुसी पोजिशन जावें लीती थ्रो कर दो बई हुण चै छै तां तुसी वेख रहे हो जावें तुसी पोजिशन लीती जिहड़ी जीव है वह तालुए नाल टच कर गई है तां इह की है तालवी है बई तालवी चच्चा मेरे नाम उच्चारण करो बई छच्छा जज्जा चज्जा जइया ज्ञा ये की कहते हैं कि इसका उच्चारण है बई तुसी वेख रहे होंगे तालवी जिहड़ी तालवी धुनिया ने धुनि बोध के अंदर दोबारा फिर आप उच्चारण करिए एक बार पोजिशन ले लो बई जो तुम वेख रहे होंगे कि जीव है वह तालू नाल टच है बई चच्चा छच्छा जज्जा झज्जा जंजा तो यह की है कि तालुए नाल टच है तो इस कारण की कहते हैं इनू तालवी कहा जाता है बई ये तालवी धुनिया ने उस तो बाद जो हुण की है अगला वर्ग है अगली टोली टै टोली है उनका आप उच्चारण करके देखते हाँ जो तो आप उच्चारण करांगे तो उच्चारण थां का आपू महसूस हो जाएगा बई उच्चारण थां है कितों की शब्द उचारिया जा रहा है बई तो वेख्या जाए टै तो तुम वेख रहे होंगे बई टै मतलब जीव अजे एवें फोल्ड हो गई है और उतले तालुए नाल एवें टच हो गई है बई इस तरीके उत्ते तालुए नाल टच है आ देखो टै ठै डै टै अने आ हैगा जी उल्ट जी भी बई उल्ट जी भी टैंका ठट्ठा डड्डा टड्डा ते नाना ये सारे की ने उल्ट जी भी ने जदों इन्हों का आप उच्चारण करते हैं बई जदों इन्हों का आप उच्चारण करते हाँ तो तुसी वेख्या होगा इन्हों के उच्चारण समय की होंगे कि जीव है जो वो आ पोजिशन होंगी है बई फोल्डिंग पोजिशन के होंगी है और फिर बाद अखर एवं चला जाता है मेरे नाल दोहराओ बई टै ठै डै अने ते आ की है उल्ट जी भी है बई फिर उस तो बाद जे आप गल करिए दंती दी अगला जेड़ा वर्ग है वो तय हैगा बई तय वर्ग है और तय का जो तुम उच्चारण करते हो तत्ता थत्था डड्डा ढड्डा नन्ना ते एक बार देखो तुहानू आ दिख रहा होगा कि जिहड़ी जीव है वो उतले दंदा नाल टच कर रही है बई तै थै तै थै डै टै नै
हाँ जी जेड़ा आ जेड़ा हैगा है आ है दंती भी क्योंकि इस विच जेड़ी जीभ है उतले दंदा नाल टच कर रही है भाई ता आ गया तै तत्ता थत्था दद्दा तद्दा नन्ना ले ता एस वर्ग विच दंती च जेड़ी जीभ है वो छो रही है दंदा नू ते इस कारण इंदा जेड़ा उच्चारण स्थान है वो दंती है भाई दंती। फिर उस तो अगे आपां गल करिए जेड़ा अगला वर्ग है वो लेने हैं भाई पंजवा वर्ग। जेड़ा पंजवा वर्ग है पंजवी टोली है उस दे विच आपां उच्चारण करिए पप्पे वाली लैण पप्पा फप्फा बब्बा पब्बा मम्मा। ते आपां इन्हां दा जदों उच्चारण करदे हां तां तुसीं वेख रहे होंगे कि होठ है जेड़े एवें हो रहे हैं परंतु कै दा उच्चारण करिए तां आपां होठ ऐ करन दी लोड़ ही नहीं कै खै चै तै परंतु पै दा अगर उच्चारण करना है तां होठ जुड़नगे बई पै फै बै पै मैं। देखो ये की है होठी है बई आ की है होठी पप्पा फफा बब्बा पब्बा ते मम्मा ये होठी है बई क्योंकि इन्हां दा उच्चारण होठां तो हो रहा है ते तुसीं वेख भी रहे होंगे पप्पा फफा बब्बा पब्बा मम्मा होठी है बई होठ है टच कर रहे हैं बाकियां च टच नहीं कर रहे बाकियां नूं बाकियां च होठ है जिहड़े एक दूजे नूं छो नहीं रहे है बई। तुसीं आ वेख रहे हो इस दे विच जिहड़ी जिहड़ा पहली टोली है भावें दूजी टोली है तीजी टोली चौथी पंजवीं कोई भी टोली है उस दे अंदर तुसीं वेख्या जावे जिहड़ा चौथा वर्ण है वह शामिल नहीं किया गया क्योंकि इस बारे में तुहानूं पहलां भी दस चुके हैं कि इहदी वरतों है जो दिनों दिन घट रही है इस कारण की कहिंदे हैं कि इस नूं शामिल नहीं किया गया है। वैसे फिर भी की कहिंदे हैं कि इस बारे चानना है आपां पा लिता है। हुण उस तों बाद अगर आपां गल करिए ऊड़ा ऐड़ा इड़ी आ तीन स्वर ने बई आ तीन स्वर हैगे है और ऊ दी जिहड़ी थां है वह सब तो पिछे है इस कारण ऊ पहले नंबर ते ऐ दा उच्चारण जीभ दी जिहड़ी इस स्थिति तों होंदा है और ई दा उच्चारण जदों आपां करदे हाँ तां वह अगली स्थिति तों होंदा है इस कारण ऊड़ा पहले नंबर ते ऐड़ा दूजे नंबर ते ईड़ी तीजे नंबर ते है बई ये है खास कारण। ते इदा ही अगर आपां देखिए कै वर्ग नूं कै दा उच्चारण कंठ तों होंदा है बई इत्थों शुरू हो जाओ कंठ तों तां आ गई पहले नंबर ते फिर आ गया तालवी तालुए तों होंदा है दूजे नंबर ते बई फिर उस तों अगर थां आ जाइए उस तों फिर थोड़ा जा गांह नूं तुरिए आपां तां तुसीं वेखोगे बई थोड़ा जा गांह तुर के अगर तुसीं वेखो तां तुसीं वेख रहे हो कि उल्ट जीभी जीभ की है उल्ट गई और थोड़ी जीभ दी पोजिशन होर गांह नूं आ गई है तां इस कारण बई उल्ट जीभी। हुण अगर देखिया जावे तां फिर की है कि दंती दंद जिहड़े ओह होर अगे है जिहड़ी आ पोजिशन सी उल्ट जीभी दी पोजिशन सी उस तों थोड़ा होर अगे जाइए तां दंती और फिर देखो बाहरले पासे होठ तुहानूं दिखदी हैगे है तां बाहरले पासे होठ इसी कारण जिहड़ी पप्पे वाली लाइन है वह लास्ट च है। इस नूं इस तरीके नाल कीता गया बई पहले नंबर ते कंठ फिर तालवी फिर उस तों बाद उल्ट जीभी जीभ दी स्थिति फिर थोड़ी अगे आ गई बई उल्ट जीभी हो गई हुण और उस तों बाद फिर की है दंदी दंती तक दंदा नूं अगर छोंदे है तां ही की कहिंदे उच्चारण हुंदा है फिर की कहिंदे है उस तों अगे होठ बई होठां तों उच्चारण हो रहा है ये बाहरले पासे ने तां इस कारण की कहिंदे आ लैण है वह अखीरले नंबर ते है। हुण आपां गल करिए कि ससा हाहा जिहड़े होर जिहड़े व्यंजन ने वह बच गए ने उहनां दी आपां गल करिए। हुण आपां उच्चारण करके देखिए सस्से दा बई सै सै जदों आपां सै दा उच्चारण करदे हां सै सै तां आपां ये महसूस कर रहे हैं कि सै दे समय जिहड़ा अपनी जीभ है वह दंत पठार है उसनूं छो रही है बई तां ये किस च आवेगा दंती च आवेगा बई दंती च आवेगा सै सै किस च आवेगा दंती दे विच आवेगा
दोबारा फिर उच्चारण करके देखो, सै ससा ससा बोलो, ससा जदों बोलते हैं तो जेड़े जीभ है वह दंदा थोड़ी थोड़ी छो रही है भाई, इस कारण इस दंती विच, और जेड़ा है ये सुरयंत्री है भाई, है जेड़ा है ये सुरयंत्री है। है जो वो सुरयंत्री है भाई, ये सुरयंत्री सुरयंत्री विथ जड़ी होंदी है, सुरयंत्री तो इनका उच्चारण किया जाता है, इस कारण की कहते हैं कि ये सुरयंत्री है, और इस नु की कहते हैं कि पिछे की कहते हैं कि सब तो रखा गया है भाई। सस्से की अगर पोजिशन आप देखिए तो इतने बनती है, परंतु गुरु साहबा ने उन्होंने जोड़ा है कि पहली टोली जी है उस दे जी मुख टोली है, जी पहली टोली है ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हाहा, ते इस मुख टोली इनू कहा जाता है, मुख टोली दे अंदर ये चौथे नंबर ते रखा गया है, पर इनकी थां है जो वो देखा जाए तो इस जगह ते बनती है। परंतु उस तो बाद जे गल करिए है दी असुरयंत्री है बई, फिर उस तो बाद अगे आप तुरीए जेड़ा यही वाली रैन है बई, यै रे ले वे अड़े, इन्हों का आप उच्चारण करांगे, और उच्चारण करने तो बाद आप वेखांगे कि यह कित्थे आ रहा है, क्योंकि आप चंगी तरह समझ चुके हैं, तो हुण आप यही का उच्चारण करिए, यैया यै यै, जो आप यही का उच्चारण कर रहे हैं यै यै बोल के देख रहे हैं तो आपां नूं महसूस हो रहा है कि आ तालवी दे विच आवेगा, क्योंकि जीभ है जो तालवी नूं तालू नूं एवें छो रही है भी, देखो यै यै यै, तो यह किस आ गया तालवी च आ गया बई। हुण आपां गल करिए बई रै दी, रै दा आपां उच्चारण करके देखिए, रै 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 रै, रारा 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 रारा, यह दंत पठार है जेड़ा उत्थे छू रहा है बई, तो यह किस आवेगा दंती च आवेगा बई, जीव है जेड़ी दंदा नूं छो रही है हल्की जी, रै रै रै, तुसी वेख रहे होगे रै रै रै, जीव तुहानूं स्पष्ट फोटो विच दिख रही होगी बई, रै रै रै, तो इस तरीके नाल जीव है जो है इनकी जेड़ी थां बनती है वह बनती है दंती बई। फिर उस तो बाद अगला उच्चारण लै दा करके देखिए, लै 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 लै, आ देखो तुसी स्पष्ट देख रहे होंगे लै लै, लै है जेड़ा वह दंती है, क्योंकि जीव है जेड़ी वह दंदा नू छू रही है बई, दंदा नू छू रही है बई। हुण है वै, अगर आप वै का उच्चारण करके देखिए, देखो बई वै 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 वै, एक ही है होठी है बई, की हैगा है होठी है, वै वै होठी है बई, तो इस नू आप जेड़ा होठी है उस विच शामिल करते हैं बई वै। हुण अगर आप गल करिए अड़े दी, यही आ रारा लल्ला वाह वाह अडाड़ा, तो अडाड़ा जेड़ा है अड़े अड़े नू बोल के देखिए, अड़े अड़े अड़े, एक ही है उल्ट जीबी है, एक ही है बई उल्ट जीबी है बई, अड़े की है उल्ट जीबी है, जो इनका आप उच्चारण करते हैं अड़ेड़ा अडाड़ा 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 अड़े अड़े, तो यह की है कि जीभ है इस तरीके जी थां बनती है वह उल्ट जीबी, और जीभ की पोजिशन है वह इस तरह है, इस कारण इस उल्ट जीबी कहा जाता है। जी आई आ रारा लल्ला वाह वाह अडाड़ा, यह अंतम टोली अखवादी है बई, इस अंतम टोली कहा जाता है। उस तो बाद जी है नवीन टोली की आप गल कर लिए बई, श ख ग ज फ, जेड़े आ अखर ने अला, ये नवीन टोली है बई। हुण इनका भी आप देख लीए कि उच्चारण थां बनता है, तो इनका उच्चारण था तो जे आप उच्चारण करांगे तो आपां नूं पता लग जाएगा, जिवें आप उच्चारण करते हाँ श श श श, जदों श श दा आपां उच्चारण कर रहे हैं तो जीभ अपनी उल्ट नहीं रही, कंठ तो आवाज नहीं आ रही, दंदा नाल टच नहीं हो रही, तो इस आधार से आप दस सकते हाँ कि जिहड़ा आ है
तालवी है, आ की है तालवी है, उच्चारण करके देखिए श श श, जीभ है जो तालुए नाल एवं टच कर रही है भाई, छो रही है तालुए नु, इस कारण ए आवेगा तालवी दे अंदर भाई, तालवी दे अंदर आएगा। फिर खो इस नु की कहते हैं कि जे आप गल करिए कंठी है गया भैया, आ देखो इतने खै आया, तो जे फारसी का भी है तो भी वह की है कि कंठी है गया भाई। इसी तरीके गै जरा गै है वो भी की हैगा है कंठी है भाई, क्योंकि भावे फारसी का फारसी और अरबी के शब्दों की जदों वरतों वध गई तो फिर की कहें इन्हों विद्वान ने शामिल कर लिया बई, क्योंकि गुरु साहब से जेडे उन्होंने सिर्फ ही की कहें है कि 35 लिखी सी बई, 35 अखरी सी 35 लिखी सी, जिंदे विच की कहें है कि हर टोली के अंदर 5 अखर सन ते 7 वर्ग सी, तो 7 × 5 = 35 हो गए। फिर जेड़ा 8वां वर्ग सीगा बई, 8वां वर्ग वो हैगा नवीन वर्ग, नवीन वर्ग पहला 35 सी गुरु साहबां दे टाइम, और फिर 6 नवीन वर्ग की है 6 है गए बई, 6 है गए है, तो वह 6 35 और 6 किन्ने हो गए 41 हो गए। हुण जेड़े हैगे है अपने वर्णमाला च अखर ने वह 41 ने बई। आपां गल कर रहे सीगे नवीन टोली दे जिन दे विच फारसी वाले जेड़े शब्द ने, शब्द नहीं वर्ण, वर्ण ने जेड़े उन्हां दी गल कर रहे सीगे, तां की है श ख ग गोजल जो जो ज ज दा जदों आपां उच्चारण करिए तां की बनदा, ज ज दा उच्चारण करिए तां ओह तालवी बनदा है बई, तालवी बनदा है। हुण फो फो सूफी सूफी फी सूफी, इस तरीके इनका उच्चारण होंगे बई, तो इतने वेख्या जाए फै होटी है, और फिर भी आप एक शब्द बोलीए सूफी फी फो फो, तो यह किस च आ रहा है बई, होठी च आ रहा है, तो यह आ गया होठी के अंदर। हुण एक अखर रह गया लै बई लै, जिन्हों उस तो अखीर दे विच शामिल किया गया शब्द तो अखीर दे विच, इसी कारण जी आ टोली है नवीन टोली, इनकी संख्या 5 की जगह 6 होगी, सारी टोलियां दे विच संख्या 5 है, परंतु जी अखीरली टोली है नवीन टोली उस दे विच की कहते हैं कि जी वर्णा की संख्या है वह 6 हैगी है। तो गल करिए अलह की, अलह नूं आपां बोलीए अलह अलह अलह, तो यह की है उल्ट जीबी है, यह की है बई उल्ट जीबी अलह, अलह की है उल्ट जीबी। हुण आपां वेख रहे हैं कि सारे दे सारे की कहते हैं वर्णमाला के अखर है जो 41 दे 41 है जो आ गए है, इन्हों की एक खास उच्चारण थां है, इसी कारण खास एक ध्यान रखना है तुसी, खास उच्चारण थां के कारण की कहते हैं कि ए इस तरीके नाल बोले जाते हैं बई। तो आप गल की सी कंठी, कंठ तो उच्चारण किए जाते हैं वह इस दे अंदर आ गया बई, तालवी तालवे तो उच्चारण किए जाते हैं। हुण अपने कोल जे तुसी गौर नाल वेखो ते अपने कोल एक ट्रिक है बई, उस ट्रिक दे राही भी आपां गल नूं समझ सकते हैं। पहला प्लान अपना सीगा ए प्लान, तुहानूं समझाता तुहानूं चंगी तरह समझ आ गया, परंतु फिर भी किसी तरीके की कोई किंतु परंतु तुहाडे दिमाग अंदर ना रहे, इस कारण एक बी प्लान है बई, उस भी तुसीं की करना है जिवें कै वाली लैण है बई, कै वाली लैण हैगी है, ये हुण तुहानूं पता ही लग गया लैणा आ पहले नंबर ते क्यों है, दूजे ते क्यों, तीजे ते क्यों, चौथे ते क्यों, पंजवे तो कै है, एक कंठी है बई, कंठी वाला कै, और आ कै मिलता है मतलब कै कंठी, कै आली लैण कंठी वाली लैण है बई, कै आली लैण कंठी वाली लैण हैगी है, तो कै तो कंठी हो गया, कै आली लैण आ गई बई, कक्का खक्का गंगा गंगा आ गया इस च। और फिर देखो आ खै है तो जरा ये अरबी फारसी के वर्णों और शब्दों बढ़िया वरतों इन की वरतों की गई, तो यह खै इस विच है, तो आ भी जरा ख इस च आजूगा, यह गै इस च है, तो आ भी गै जरा इस विच आजूगा इसी टोली के अंदर, क्योंकि आ जड़े अखर ने आ मिलते ने बई, और मिलते हुए अखर इसी विच आ गए। हुण अगे गल करिए चै टोली की, चै टोली बई चै, चै तो चमचा होंदा है बई, और जो चमचे है उन्होंने आदत होंगी है तलवे चट्टन की,
चमचिया आदत होंगी है बई तलवे चटन की, की है कि चाय वाली लाइन है जी चाय है इसनों आप तलवे न इस तालवी न कनैक्ट कर लेना है। तो हूँ आप याद रह जाएगा बई चमचा आदत होंगी है तलवे चटन की, तो तालवी तो संबंधित की है चचे वाली लाइन है चचा छचा जजा जजा ये की कहते तालवी च होगी। हूँ आप देखिए इतने जय आ रहा है तो आ जय भी की है आ जय जरा जय वो इसी विच आऊगा बई। हूँ आप गल कर लिए कि आ जरा अखर वर्ण जेड़े बनते ने दोनों जे इन्हों जोड़िया जाए तो यश बनता है बई यश बनता है इन्होंने दोनों अगर आप जोड़ दिए यश बनता है। तो हूँ आप देख रहे हैं कि देखो कई बार लोग तलुए चट चट के तलुए चट चट के बई यश भी प्राप्त कर लेंगे ने ते नेते अक्सर नेते की होंगे वड्डे नेतिया की बड़ी खुशामद करके जेडे चमचे है गए है वो फिर धीरे धीरे टिकटा भी ले आते हैं और फिर कई बार MLA वार्ड पार्षद मंबर कुछ भी वह की कहें कि बन जाते हैं बई। तो कई बार इदा भी हो जाता है बी तलवे चढ़ चढ़ के लोग यश को प्राप्त कर जाते हैं। तो यश है जोड़ा वो तुम्हें की करना है कि इस तरह कनैक्ट करना है, तो कनैक्ट करने तो बाद अपना की होगा कि तालवी धुनी के अंदर आप याद रह जाएगा बई तलवे चटन वाले चाय चमचे चमचे तलवे चटते हैं कई बार यश भी प्राप्त कर जाते हैं कई बार ऐसा नहीं होंगे बई पर कई बार की कहें कि ऐसा हो जाता है। तो यश की कहते आप याद रखने आप गल की है फिर उस तो बाद अगर गल की उल्ट जी भी उल्ट 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 ट इस कहते हैं कि इस कनैक्ट करता उल्ट जी भी टैंके वाली लैन बई टैंका ठठा डड्डा ढड्डा नाना और फिर की है बी देखो उल्टे काम करोगे तो लड़ाई हो सकती है उल्टे काम करोगे तो लड़ाई हो सकती है लैड़ है लै 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 अड़ै बई अड़ाड़ा अड़ाड़ा और आ है अड़ै उल्टे काम करोगे तो लड़ाई हो सकती है। तो इस कारण तुम की करना है कि आ लड़ है लड़ इस उल्टे नाल बई उल्टे नाल कनैक्ट कर लेना। जो इस उल्टे नाल कनैक्ट करोगे तो तुम भुलोंगे नहीं तुहानू चेते रहेगा उल्टे काम नहीं करने बई लड़ाई हो जूगी लड़ ते लड़ ये दोनों एस च आ गए और वैसे उच्चारण करके देखोगे तो समझाई दिता है। फिर उस तो बाद गल करिए आप दंती की बई दंती दंती देखो इतने तय आ तय वाली लैन है बई इतने उल्ट जी भी तय सी तय वाली लैन दंती च तय आ रहा है तय वाली लैन है जो वो दंती चगी है तय वाली लैन किस चगी है बई दंती दे अंदर हैगी है दंती दे अंदर है। तो फिर आप गल करिए देखो तत्ता थत्था दद्दा धद्दा नन्ना ये इस आ गया बई दंती दे अंदर। हुण आपां गल करिए आ देखो आ एक शब्द बनता है सरल बई शब्द बनता है सरल इस तो अगर आप शब्द बनाइए तो शब्द बनूगा सरल। होर जे तुहाडे दंद है बई जे तुहाडे दंद है तो रोटी खानी सरल है बई नहीं तो रोखी हो जूगी दंदा बगैर बंदा भैड़ा ही बहुत लगता है। तो फिर इसी कारण सरल बनाने लोग नकली दंद ला देंगे सोहने भी लगते हैं रोटी खाने से भी दिक्कत नहीं आती। तो सरल बई दंती की है दंती सरल है ये तुम की कहें कि ध्यान रखना है बई दंती की है सरल है बई क्योंकि दंदा नाल की कहें काम सौखे हो जाते हैं दंदा नाल काम सौखे हो जाते हैं इस कारण दंती नूं आपां अटैच किया है सरल दे नाल बई दंती सरल है दंदा नाल जिहड़ा काम है वह सरल है। और आ जिहड़ा होठी है बई पै फै बै बै होठी हैगी है। और आखिर च यह गल करिए वफा इतों शब्द बना लो वफा एक बड़ी ही प्यारी लाइन है होठों से क्या वफा की उम्मीद कीजिए। तो होठा नू और वफा नू इनू आपां जोड़ लिया बई वफा है जिहड़ा वह होठ नाल जुड़ चुकिया है तो इस कारण एवें जोड़ लो वरना तुहानू वैसे भी पता लग जाएगा। हुण जे आपां गल करिए आपां हर एक अखर दे बारे आपां नू पता चल चुके है बई किहड़ा कित्थों बोलिया जांदा है